हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। पता है फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बैटरी हो गई है हमारी 9:11। कितना करेंगे यार। सुबह से हमारे पति देव ने भी 6 बजे खाना खाया था और अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो ये देखिए हमारे घर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। देर को आज बहुत पुरानी यादों के मिले हैं वो पेंट, तो खुश हो रहे हैं, पेंट ट्राई कर देंगे। और ये मेरे भाईजान है, मेरे भाईजान की भी बैटरी काफ़ी डाउन हो चुकी। फ्रांस के आराम में तितली ले लो और मम्मी फोटो के हिल पर छोड़ दोगी, और हमारी घड़ी और ये शिवांश का ये लेना ही है। और पता है ये स्टिकर देख रहे हैं कि श्याम भैया लेके आए थे, उन्हें किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और उन्होंने भैया ने वहाँ पे लगा दिया था। इतना ज़्यादा क्यूट सा था ना ये स्टिकर, रियली मैं तो बहुत अभी ये तो पता नहीं जा रहा है। देखो स्टिकर दिखा रही है, स्टिकर रह जाएगा, मैं वीडियो बना लेती स्टिकर। तो ये है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो कितना ज़्यादा क्यूट है, ये बहुत प्यारा लग जाता, शिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद आ देती है ये देखिए स्टिकर। ये बड़ा अच्छा लगता था, हमने अपने बैड के ऊपर लगाया था ना। भाई भैया ये नहीं हट सकता क्या? बोले अरे नहीं, ये तो खराब हो जाएगा, ये थोड़ी ना हटेगा। नहीं, 6:30 का टाइम हो गया, मैंने यहाँ पे कर लिया है गर्म और मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। सॉरी जूम हो रहा था, कॉफ़ी बना दूँगी ना थोड़ी सबके अंदर ना, थोड़ी एनर्जी सी आ जाएगी। और फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, इसे पीती थी एनर्जी महसूस, मैं इतनी एनर्जी महसूस होती है ना, मेरी फेवरेट कॉफ़ी है। ये है मोदी केयर की फ्रूट ऑफ द अर्थ, आपको भी मैं दिखा देती हूँ। एक सेकेंड गाइस, मैं ना जैसा कि आप दिखा देते, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ मोदी केयर, क्योंकि आई एम ए मोदी केयरियन, मैं मोदी केयर का यूज़ करती हूँ। मुझे सारे प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सारे वही इस्तेमाल करती हूँ मैं, और मुझे इतना ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है ना, फ्री लॉयल्टी करती हूँ मैं। तो कभी मैं आपको इस सारी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ ज़रूर। फ्रूट ऑफ द अर्थ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यम्मी है, इसमें ना एक्चुअली कैफीन बहुत ज़्यादा कम होता है ना, एडिक्ट नहीं होने वाले आप। और ये कि ये देखो 100% प्योर इंसेंट कॉफ़ी सच के इसके अंदर। और यहाँ पर ना देखो हमारी ऊपर आ गया था, तो मैं कभी तसल्ली से आराम से इसके बारे में सारा कुछ बताने वाली हूँ। जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दीदी जूम मीटिंग कर रही थी मोदी केयर की, तो यस मेरी दीदी इसमें मेरी अपलाइन है और मुझे बहुत हेल्प करती हैं। यहाँ पे ये मोदी केयर जो हैं ऑनर है हमारे, उनके साइन होते हैं कि अगर आपको इसमें कोई इश्यू या प्रॉब्लम नज़र आए तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। सो ये जो गारंटी होती है 100% सर्टिफिकेशन गारंटी। सो चलो फिर मिलते हैं एक कॉफ़ी पे। शिवांश ना हम सब तो लगे हैं काम में, शिवांश को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं कहाँ लेटूँ, क्या करूँ, कब चलना है नए घर में, सामान कब तक पैक होगा, यही सारे क्वेश्चन उसके पीछे समाज आ रही होगी। भैया भी उसको काफ़ी चिड़ रहा है कि तो यहाँ पर टेप लगा दूंगा तेरे मुंह पे बैठ जाऊँगा उससे। सो गाइस, यहाँ पे मेरी कॉफ़ी हो गई थी रेडी, अब मैंने कॉफ़ी 3 कप में कर ली थी और भैया के लिए ना, मैं एक्चुअली मुझे कॉफ़ी ना कम डाल के पसंद है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो मतलब मुझे कड़वी सी लगती है, पी नहीं जाती है, तो मैं कम ही डालती हूँ। तो भैया कह रहे थे कैसे तो दूध जैसा बना देती, तो मेरी भैया के लिए अलग से डाली थी थोड़ी सी। और अब हम बैठ गए थे ऐसे, हम तीनों लोग बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे, शिवांश सो उस रात ना, शिवांश एक्चुअली हम लोग 2:30 मैं तो 3 बजे सोई थी, ये लोग 2:30 बजे सोए थे, भैया भी 1:30-2 बजे तक किया था काम, वो भी सो गए, थक गए थे बहुत ज़्यादा ना, और मेरे तो पैर उस दिन बहुत सूज भी गए थे। सो मैंने यहाँ पे ना ऐसे कैमरा को ऑन करके रख दिया था और बैठ के सब कॉफ़ी पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या प्लानिंग है। और मतलब उस दिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, याद भी करती हूँ ना तो ऐसे ही लगता है कि अरे बाप रे कैसे कर लिया था, हम 3 मिल के किया था तो बहुत मुश्किल होता है। और शिवांश तो बस भैया उसको छेड़े जा रहे थे कि तुझे भी पैक कर दूंगा बैग में, क्योंकि कभी वो इधर आ रहा था कभी इधर आ रहा था, तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि कुछ रह ना जाए मेरा खिलौने या सामान, सारा मैंने बताया तो जो स्टिकर वगैरह जो थे सारे बस लगा हुआ था कि जल्दी से सुबह हो और अपने हम घर में जाएँ। तो शायद वो यहाँ पर लेट चुका है और हम बैठ के अब कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आप भी इंजॉय करें गाइस। Thank you.
It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I know that something special made me think about you. तो हे फ्रेंड, मैंने दिखाया था ना रात को, मतलब 3 बज गए थे जब मैं लेटी, और सुबह मैं ना 6 बजे उठ गई थी। मतलब कि पता नहीं, मुझे नींद आई ही नहीं थी, थक तो गई थी पर सो गई थी, और यही सब दिखा रही थी कि ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं, ये ना एक्चुअली जो वीडियो बनाई थी छोटी सी क्लिप, ये शिवांश यहाँ खा रहा था, उसके बाद उसने हमारी छोटी सी शूट किया था। और तो फ्रेंड मैं ये दिखा रही थी आँखें, मतलब नींद ना पूरी हुई नहीं थी, खुली नहीं रही थी, ज़बरदस्ती खुली थी आँखें, मैं छींटे मार के पानी वाले। और तब मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अब तो गाड़ी भी आ गई है, और आंटी ने ना इतनी जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरे को तो मौका नहीं मिल पाता सुबह कुछ भी बनाने का, तो उन्होंने चाय बना के और सब्जी पूड़ी बना दी थी, तो हमने सब ने उसी का पहले एक दो खा लिया था, नाश्ता किया था। यहाँ पर देखो शिवांश बना रहा है सबके, कि देखो मेरे मम्मी पापा सब खा रहे हैं, खुद खा चुका था सब्जी पूड़ी, बहुत खुश हो गया था। और इसी वीडियो से कहना चाहती हूँ कि आंटी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड मिस यू रियली। कोई हमारा ऐसे, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ना हर एक जैसा नहीं होता, और इतने सच में इतने अच्छे थे ना, और मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया था हमारे लिए, पैक करके दिया था खाना। और आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं रहती है, तभी भी उन्होंने इतनी सारी पूड़ी और सब्जी बना दी थी। उस दिन सब्जी इतनी अच्छी लग रही थी ना उनकी भंडारी की, कि अभी भी मिस कर रहे थे हम लोग, कभी भी याद कर लेते हैं। तो शिवान सारे जगह को घूम घूम के, क्योंकि मेरे पास तो मौका ही नहीं था, अब ट्राईपोड भी मैंने रख दिया था ना, तो देखो कैसी वीडियो बनाई है उसने, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, इसके बाद गाड़ी आ गई थी, और जल्दीबाजी में जो सामान जहाँ जहाँ से उठ रहा था ना, जैसे फ्रिज वगैरह या जो अलमारी वगैरह होती है, तो उसके पीछे ना इतना इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो इतने स्टेज से ही रखे रहते हैं, इनको हिला तो सकते नहीं है, तो बेड वेड के नीचे से मैंने कोना कोना साफ़ कर दिया था। और इसके बाद अब हम फ्रेंड, इसी के साथ ये ब्लॉग का एंड भी होगा, और हम निकलेंगे अब इसके बाद जल्दी जल्दी से सामान रख के, और मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि अपने घर में पहुंच जाऊंगी मैं। सो अभी तो आंटी के घर में ही है, सो बने रहें आप भी गाइस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपने मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, अपना सपोर्ट बना के रखना। बाय फ्रेंड्स।